दोस्तों आज के एक्सपेरिमेंट्स अगर आपने देख लिए तो किसी भी लड़की को अपना फैन बना लोगे। तो मेरे भाई ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 10। अच्छा, अगर आप किसी मेटल बॉल को गर्म कर बर्फ के ऊपर डालोगे तो एक बात तो फिक्स है कि वो बर्फ को पिघलाकर उसमें बड़ा सा छेद कर देगी। परंतु क्या होगा अगर यही एक्सपेरिमेंट दुनिया की सबसे ठंडी बर्फ यानी कि ड्राई आइस के साथ किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर ये आदमी इस इतने गर्म लोहे के बॉल को, जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री से भी ज्यादा है, उसे इस ड्राई आइस के स्लैब के ऊपर डालने जा रहा है। दोस्तों बर्फ तो गर्मी नहीं झेल पाती, ये बात तो पता थी, परंतु ड्राई आइस में भी छेद हो जाएगा, ये तो पहली बार देखा। यही नहीं, मजा तो इस बॉल और आइस की लड़ाई के साउंड को सुनकर भी भयंकर आया। नंबर 9। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप अपनी रोज की जिंदगी में जितनी भी काली रंग की चीजों का उपयोग करते हो वो दरअसल पूरी तरह से काली नहीं होती? क्योंकि अगर आप दुनिया के सबसे ज्यादा डार्क कपड़े को पहनोगे तो आप कुछ इस भाई साहब की तरह दिखाई पड़ोगे। दोस्तों ये कोई जादू या एडिटिंग नहीं था, बल्कि जिस कपड़े को एक्शन लैब वाले भाई साहब ने पहन रखा है वो दुनिया का सबसे ज्यादा डार्केस्ट क्लोथ है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक ऐसे कपड़े का ऑर्डर किया जो कि 99% तक के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर इसको सिलवा कर तैयार हो गया दुनिया का डार्केस्ट सूट। एंड इसके बाद जैसे ही ये बंदा इस सूट को पहनकर एक ब्लैक बैकग्राउंड के आगे खड़ा होता है तो केवल इसका हाथ और चेहरा ही दिखाई पड़ता है, और इन्हें छुपाते ही ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। यहाँ तक कि जब ये शख्स रात के अंधेरे में बाहर निकलता है तो भैया कोई तो इसे देख भी नहीं पाता, और दिन में भी इसे देख कर ऐसा लगता है कि मानो कोई एलियन जा रहा हो। वैसे क्या आप लेना चाहोगे ऐसा कपड़ा, हमें कॉमेंट में जरूर बताना। अच्छा अब जरा इस वीडियो को भी देखो। जब कभी भी आप पेंट और थिनर को आपस में मिक्स करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नंबर 8। दोस्तों आजकल मार्केट में जिन चीजों को वाटरप्रूफ बताया जाता है वो वक्त आने पर पानी से खराब हो ही जाती हैं। पर हाइड्रोफोबिक नाम का ये स्प्रे आपकी किसी भी चीज को वाटरप्रूफ बना सकता है। हाँ मेरी जान, किसी भी चीज को ये ऐसा बना देगा कि पानी उस सरफेस से टकरा करके वापस से फिक जाएगा। दरअसल ऐसे चीजों पर स्प्रे करते ही ये उन पर अपनी एक लेयर चढ़ा देता है जो कि पानी या किसी भी लिक्विड को अपने ऊपर एक सेकंड भी थमने नहीं देती। भाईसा, ऐसे अपने कपड़ों पर लगाकर होली में निकल गए ना तो सभी दोस्त रंग फेंक फेंक कर परेशान हो जाएंगे, पर आपके कपड़ों को कोई गीला नहीं कर पाएगा। नंबर 7। अच्छा दोस्तों, क्या होगा अगर आप किसी अंडे के ऊपर अपना एक पैर रखकर खड़े हो जाओ? मेरे भाई, आपके पैर के नीचे से अंडे की आत्मा पिच करके निकल जाएगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि तब क्या होगा जब आप अंडों से भरी हुई ट्रे के साथ कुछ ऐसा ही कारनामा करोगे? यहाँ ये लड़की भी यही कारनामा करने वाली है, और जरा देखना कि आगे क्या होता देखा, इनमें से एक भी अंडा नहीं टूट पाया। दरअसल ऐसे में आपका वजन बहुत सारे अंडों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारी कीलों के ऊपर टायर चलाने पर वो पंचर नहीं हो पाता, पर एक कील आसानी से उसे पंचर कर देती है। नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हो कि अगर आप बॉटल को सीधा उसका ढक्कन खोलकर खाली करोगे तो वो धीरे धीरे खाली होगी, पर अगर आप उसके अंदर टोर्नेडो बनाकर उसे खाली करोगे तो भाई साहब ऐसे फटाक से सारा पानी निकल जाएगा कि पूछो मत। देखा, अरे और अगर आप बॉटल के अंदर स्ट्रॉ को डाल करके बॉटल खाली करोगे ना तो फिर तो ये और ज्यादा तेजी से खाली होने वाली है।
एक काम को करने के कितने तरीके हैं यार। अच्छा ऐसे ही क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम श्रेडर में बहुत सारी माचिस के पैकेट्स को फेंक देंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये सभी पिस जाएंगे? नहीं मेरे भाई, ऐसा ही तो नहीं है। जरा देखो, दरअसल माचिस को श्रेडर में डालते ही माचिस की तीलियां डब्बों से घिसटने लग जाती हैं, जिसके कारण श्रेडर में काफी तेज आग लग जाती है। नंबर 5, दोस्तों नमक एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल कुछ लोग अपने खाने को टेस्टी बनाने में करते हैं, तो कुछ लड़ाई झगड़ों को बढ़ाने में। पर क्या आप जानते हो कि बर्फ और नमक को अगर आप आपस में मिक्स करते हो तो कुछ ऐसा होता है कि आप हक्के बक्के रह जाओगे। इन भाई साहब ने सबसे पहले एक बर्फ के ऊपर एक धागे को रख कर उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दिया, और मात्र 1 मिनट छोड़ने के बाद ये धागा इस बर्फ से काफी ज्यादा मजबूती के साथ चिपक जाता है। वैसे नमक से आप एक और कमाल की चीज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई जंग लगा हुआ गंदा सा सिक्का है, तो आप जैसे ही उसे पानी, नमक और विनेगर के सॉल्यूशन में कुछ मिनट तक डालकर छोड़ोगे, तो कुछ देर बाद वो ऐसा चमचमाता निकलेगा कि मेरे भाई आप देख करके चमक जाओगे। नंबर 4, दोस्तों आपने अभी तक चुंबक को लोहे से फटाक से चिपकते तो देख रखा होगा, पर क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी मिट्टी को देखा है जिसको लोहे से काफी ज्यादा मोहब्बत होती है? तो जरा मैग्नेटिक स्लाइम को देखो। दोस्तों ये होती तो बिल्कुल साधारण सी स्लाइम की तरह है, पर ये लोहे की चीजों के धीरे धीरे पास जाकर उनके ऊपर अपने आप पूरी तरीके से चढ़ जाती है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल किस्म का मैग्नेट होता है कि इसके पास जैसे ही किसी दूसरे मैग्नेट या लोहे के वस्तु को लाया जाता है, ये उसे चारों तरफ से घेर कर बहुत ज्यादा तेजी से जकड़ लेता है। इस तरह की चीजें तो हॉलीवुड मूवीज में बहुत देखने को मिलती हैं, है ना। नंबर 3, दोस्तों कभी आपने माइक्रोस्कोप से देखा है कि हमारे बॉल पॉइंट पेन किस तरह से काम करते हैं? तो मेरे भाई जरा आप बारीकी से देखो कि क्या होता है जब आप किसी बॉल पॉइंट पेन से कागज पर लिखाई करते हो। ये जो रिफिल का छर्रा होता है, ये पूरी तरह से इंक में डूबा हुआ होता है, और जैसे ही आप अपने पेन को कागज पर चिकनी चमेली की तरह मटकाते हो, तो ये छोटी सी बॉल घूम घूम कर कागज पर आपके अल्फाजों को अक्षरों में बयां कर देती है। देखा, अरे टैटू बनाने वाली मशीन तो क्लोजअप में और ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ती है, पर वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आ जाते हैं नंबर 2 पर। दोस्तों अगर आप एक मोमबत्ती के बीचों बीच से सुई निकाल कर उसे 2 कांच के ग्लासों के बीच रखते हो, और उसके बाद मोमबत्ती के दोनों सिरों पर आग लगाते हो, तो मोमबत्ती बिल्कुल किसी सीसॉ की तरह दोनों कोनों से एक साइज का बनकर जलेगी। अगर एक कोना बड़ा होगा तो पहले बड़े साइड का माल खत्म होगा, फिर छोटी साइड की बारी आएगी, और ये देखने में काफी कमाल का लगता है। ऐसा लगता है जैसे मोमबत्ती का सीसॉ बन गया हो। नंबर 1, दोस्तों मीट ग्राइंडर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें एक तरफ से मर चुके जानवर को डाला जाता है, तो दूसरी तरफ से उसका एकदम कीमा बनकर निकलता है। पर क्या होगा अगर मीट ग्राइंडर में चिकन की जगह मछली को डाला जाए? यहाँ पर ये जनाब एक मछली को ग्राइंड करने वाले हैं, जिसमें पहले तो ये एक मर चुकी मछली पर मसाला लगाते हैं, और फिर जैसे ही इसे मीट ग्राइंडर में डालते हैं, तो भाई साहब मछली की तो नूडल बन जाती है। फिर ये लोग इसको फ्राई करके मजे से खा जाते हैं। अरे पर मैं कहां एक्सपेरिमेंट दिखाते दिखाते थंबनेल के चक्कर में कुकिंग ट्यूटोरियल्स पर आ गया। पर मेरे भाई आप इस प्यारे से चैनल से दूर ना चले जाओ, उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।